प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है फ्रैक्शन से, डेसिमल से एंड परसेंटेज से। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूं है जी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशन इन फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो एंड परसेंटेज फॉर्म। मतलब हम अगर क्वेश्चन रीड करें, लिखा हुआ है जी 7 वर्कर्स आउट ऑफ 40 वर्कर्स, तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के देखेंगे क्या आंसर आता है, फिर डेसिमल फॉर्म में, रेशियो में और फिर परसेंटेज में। तो स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रैक्शन कहते हैं अ पार्ट ऑफ टोटल, तो इसमें जो टोटल है हमारे पास वो कितना है, वो है 40 वर्कर्स, और उसमें से 7 जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड सिलेक्टेड जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स वो कितने हैं, 7 है, और यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल वर्कर्स, ठीक है जी। तो ये इसकी जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी, 7 आउट ऑफ 40 बन गई। फिर हम सेकंड जो है इसमें इस तरह से देख रहे हैं, डेसिमल फॉर्म देखते हैं इसकी क्या बनती है। डेसिमल में हमने इसे मजीद जो है वो डिवाइड करना है, जैसे 7 जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा, मतलब डिविडेंड के तौर पर 40 डिवाइजर होगा। अब 40 एक बड़ा नंबर है, 7 एक छोटा नंबर है, हम यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे जिससे कि यहाँ पर एक जीरो हम लिख सकते हैं, तो अभी 70 बन गया है। अब 70 को 40 से डिवाइड किया जा सकता है, 40 के टेबल में 1 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, और 2 से 80 आता है जो कि 70 से बड़ा है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेते हैं, वो 30 है, ठीक है। पहले यूनिट प्लेस को ऐसे हम डिफरेंस इनका लेते हैं, फिर 10 प्लेस का। अब 40 और फिर यहाँ पे बल्कि एक जीरो डाउन कर 300 आ गया, तो 40 के टेबल में 300 तो नहीं आता, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई करने से 280 जरूर आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये 20 का आ गया और फिर एक जीरो डाउन ले आएंगे, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 200, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो ये इस तरह से ये जो हमारा आंसर आया है 0.175, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास इसकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी, और ये क्या थी हमारे पास इस नंबर की, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से हम जो है वो रेशियो देखते हैं, ठीक है जी। थर्ड जो है हम इसे देखते हैं रेशियो फॉर्म में कि रेशियो क्या होगी। तो रेशियो में हम ये बात जानते हैं जैसे कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, और जो सेकंड क्वांटिटी है वो है टोटल जो वर्कर्स हैं। तो इसकी रेशियो जो बनी वो 7:40 बन गई, ठीक है। ये इस तरह से इसकी रेशियो फॉर्म भी आ गई है। फिर इसके बाद जो है हम फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं, फोर्थ नंबर पे जो है वो परसेंटेज है। परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या होगी इसको हम देख लेते हैं जी। परसेंटेज ये होती है कि जब हम फ्रैक्शन हमें पता चल गई है जैसे कि 7 आउट ऑफ 40 है, तो इसको हम आउट ऑफ 100 लाने के लिए पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई वापस वही नंबर आता है, 1 एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। फिर 7 ओवर 40 ही रहने देंगे, और 1 को लिख सकते हैं हम 100 ओवर 100, मतलब 100 आउट ऑफ 100, ठीक है जी। और फिर इसके बाद जो है हम यूं कर लेते हैं कि ये जो है 40 इस 100 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 0 से कैंसिल, 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 5 टाइम 10, और 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 35 आ जाएगा, 35 ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100, या आउट ऑफ 100 आप कह सकते हैं, ठीक है। या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 35 का हाफ होता है 17.5 आउट ऑफ 100, और परसेंट भी आउट ऑफ 100 ही को कहा जाता है। तो इसका मतलब जो परसेंटेज बनेगी वो कितने बन जाएगा, 17.5% बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो गिवन सिचुएशन थी इसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के देखा, डेसिमल फॉर्म में भी, रेशियो फॉर्म में भी, और परसेंटेज फॉर्म में भी उसको लिख के देखा।